जय जवान जय किसान। नमस्ते आप सभी को। आज हम एक फार्म में आए हुए हैं जहां पर हम देखेंगे कि हमारा इरिगेशन चैनल और हमारा ड्रेनेज चैनल किस प्रकार से दिखते हैं, उसमें क्या समानता है, क्या अंतर है और किस तरह से हम देख के एक इरिगेशन चैनल और एक ड्रेनेज चैनल को बतला पाएंगे कि कौन सा इरिगेशन चैनल है और कौन सा ड्रेनेज चैनल है। देख पा रहे हैं ये हमारा पूरा फार्म है जिसमें हमने एक सिस्टम बनाया है ड्रेनेज लाइन के थ्रू। ड्रेनेज लाइन मतलब जहाँ से हमारा पानी निकल सके, एक लाइन बन सके ड्रेनेज के लिए, तो उसी लाइन के ऊपर हम ड्रेनेज चैनल्स बनाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं कि हमारा जो फार्म का पूरा वाटर है जो स्टोर हो रहा है, जो सरफेस के ऊपर से बह रहा है, वो पानी आके एक लाइन में हमारा वाटर हो जाए, जो एक्सेस वाटर है जो हमारे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उस प्रकार से ये यहाँ पर ग्रेड दिया जाता है ज़मीन को कि स्लोप में देंगे तो हमारा वाटर जो है डायरेक्टली रन ऑफ हो सके, जल्दी फास्ट होके रिमोट एरिया से डाउनलोड एरिया में पहुंच सके। तो उस प्रकार से हमने इसको ग्रेड दिया है जो कि 1.5 to 2% का स्लोप दिया गया है यहाँ पर लैंड में। और जो ये बीच में हमारी नाली दिख रही है इसी को हम ड्रेनेज लाइन बोल रहे हैं, ड्रेनेज कैनाल बोल रहे हैं। जो ड्रेनेज कैनाल के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है कि हर फील्ड का एक एक ड्रेनेज लाइन हमारा कंट्रीब्यूट करे हमारे ड्रेनेज सिस्टम में। तो इस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। हर प्लॉट एक प्लॉटों को बड़े प्लॉट जैसे बड़ा एरिया है उसको हम डिवाइड किए हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, प्लॉट्स में, वो एक वाटर को कंट्रीब्यूट करता है ड्रेनेज लाइन के थ्रू। तो इस प्रकार से ड्रेनेज लाइन में कंट्रीब्यूट होके ड्रेनेज लाइन के थ्रू ड्रेनेज सिस्टम में आ रहा है जो कि फ्लो आउट होके हमारे फार्म से बाहर। ड्रेनेज कोफिशियंट क्या होता है उसको हम समझेंगे। ड्रेनेज कोफिशियंट एक पैरामीटर होता है जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम को सक्सेसफुल है नहीं है उसको मेज़र करने का एक तरीका होता है। ड्रेनेज कोफिशियंट का मतलब ये है कि हमारे 24 घंटे में कितना पानी, एक्सेस वाटर जो है हमारा ओवर दी सरफेस, वो ड्रेन आउट हो सके, रिमूव हो सके, उसे ड्रेनेज कोफिशियंट बोलते हैं। इसे मेज़र किया जाता है इंच पर डे में, क्योंकि हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, तो कितना इंची पानी हमारे ज़मीन के ऊपर से बहा, ड्रेन आउट हुआ हमारे फार्म से, उसे हम ड्रेनेज कोफिशियंट का नाम देते हैं। अगर ड्रेनेज कोफिशियंट अच्छा हो तो हमारा सिस्टम अच्छा है, प्रॉपर है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम अगर कम हुआ तो हमारा सिस्टम फेलियर है, पुअर है, इससे समझ आता है। अभी काफ़ी इंटेंस रेन हुआ जिसके वजह से ये फ्लो जो है हमारे वाटर का वो क्रिएट हुआ है और ये हमारा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पर, इस वजह से ये पानी जो है वो निकासी होके ड्रेन आउट होके हमारे इस सिस्टम के दूसरे ग्रेड के चैनल में जा रही है, जो कि जा रहा है। जो ये चैनल है ये हमारे ड्रेनेज लाइन है, जो प्लॉट ड्रेनेज सिस्टम है वो मेन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें जाके मिल रहा है, जिसके वजह से ये बाहर हमारे फार्म से आउट हो सके। और हम ड्रेनेज सिस्टम को और इरिगेशन सिस्टम को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहीं पर है। जो हमारा ड्रेनेज लाइन रहता है वो इनरेगुलर होता है शेप में, गहरा होता है, ब्रॉड होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। और हमारे जो इरिगेशन चैनल्स हैं वो एक शेप में रहते हैं, प्रॉपर शेप में रहते हैं, कम डेप्थ में रहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो देते हैं। यहाँ पर वाटर रेगुलेट होता रहता है ड्रेनेज सिस्टम में, इरिगेशन सिस्टम में एक यूनिफॉर्म फ्लो क्रिएट होता है, जो कि और सबसे बड़ी बात ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा है वो एक्सेस वाटर को रिमूव कर रहा है और हमारे इरिगेशन जो कैनाल है, जो सिस्टम है, वो हमारे वाटर को प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सप्लाई कर रहा है। तो इस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम अलग होते हैं।